नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहना मंडी में है, 15 अगस्त 2024 हो चुका है और आलू में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, कितनी गाड़ियां हैं जयपुर मोहना मंडी में और क्या बाजार चला, का ग्राहक की कैसी चली, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो थोड़ा सा आलू दिखा देता हूँ, आलू देख सकते हैं क्वालिटी आपके सामने है। अच्छा आलू देख सकते हैं, आलू क्वालिटी शानदार देखने को मिल रही है। कैसे हो अनिल जी? बढ़िया, आप कहाँ हो यार? बहुत बढ़िया सर। तो सर आज आलू में क्या अपडेट रहा, कितनी गाड़ियां हैं? 70-75 गाड़ियाँ, 8-8 गाड़ी कल भी बैलेंस अच्छा जी, बैलेंस मिला के 70-75 गाड़ियां हो गई आज। अच्छा जी, और ऊपर भी हो सकते हैं 2-4 क्योंकि बारिश का मौसम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बाजार क्या चला आज सर? बढ़िया। आलू 25-26 के बीच अच्छा जी, बाजार वही है 25-26। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे ये वाला आलू है, ये क्या बिका है सर आप? भाई साहब 300 रुपये बोल रहे, कोई ग्राहक नहीं लगा इसको। अच्छा जी, ये भी तो हाइब्रिड में है ना सर? 37-97। 37-97। हाँ अच्छा जी, ये वाला 37-97 क्या बाजार चला? ठीक 23 रुपये बोल रहे हैं, है जी, शिकायत है इसमें। इसमें शिकायत तो है सर, ये वाली ये देख सकते हैं शिकायत है इसमें। इसलिए ये बिक रहा नहीं है। बिल्कुल। और ये सर, ये 22, और वो सामने वाला सर 23 रुपये, और अपना ये लाल वाला, ये वाला क्या बिका है? 28 रुपये बिका है। तो सर अगर 37-97 की बात करें तो नीचे में पोजीशन है, ऊपर में क्या पोजीशन है? 25 रुपए अच्छा जी, अच्छा। और हाइब्रिड में सर के 18 से 22 तक का बाजार है, और गुल्ला सर 15 से 18। 15 से 18 रुपए। गुल्ला बढ़िया, गुल्ला तो 18 रुपए बिक रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपना लाल में क्या पोजीशन बनी सर नीचे में? 25 से 28 का बाजार, 25 से 28 का बाजार रहा। 25 बहुत बढ़िया आलू 28 रुपए। बिल्कुल। ग्राहकी कैसी तो रही आज सर? बारिश ग्राहकी स्लो है क्योंकि बारिश है, बहुत भयंकर पांच कल शाम को भी बारिश थी और अभी भी बारिश है। बारिश है, सुबह भी बारिश थी और मौसम खुला नहीं। कल खुला था, बिल्कुल 50 गाड़ी थी और आज भर दिए मंडी को, बिल्कुल फिर बिल्कुल, 8 दिन भर दिया, फुल मंडी भरी आज, फुल मंडी भर दी आज। लेकिन बिल्कुल 75 गाड़ी के आसपास हो गई है। ग्राहक की कलर परसों तो चलनी चाहिए, जो 2 दिन छुट्टी है आगे बिल्कुल बिल्कुल रक्षाबंधन की और संडे की, बिल्कुल। कल या परसों मेरे हिसाब से तो चलनी चाहिए। और कोई बारिश आ जाए तो हाँ उसका कोई कह नहीं सकता, बाढ़ की बोलो। हालत हो रही है जयपुर में। पर एक बात है, इतना आवक हो जाने के बावजूद तो बाजार अभी टूट नहीं रहे, ठीक है चलो। ना बढ़िया आलू वो 25-26 के बिल्कुल बाजार, तो ये मानो जैसे मौसम खुलेगा ना बाजार तो करंट आएगा 1-2 रुपए ऊपर, अच्छा जी, ये चलेगा 1-2 रुपए ऊपर नीचे ऊपर नीचे बिल्कुल सेम बाजार चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बारिश बढ़िया बहुत आलू ज्यादा मेरे है सर। हिसाब से, तो बढ़िया आलू को रोकना चाहिए ग्राहकों, किसानों को बिल्कुल। और व्यापारियों को, और हड़ के आलुओं को बेचना चाहिए। तो अभी बढ़िया आलू कैसे आ रहे हैं, कितने बढ़िया परसेंट आलू आ रहे हैं? 15% आ रहा, 15% ही 15 से 20% आ रहा, बाकी 80% 40% एवरेज आ रहा, 40% बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं जो 18-20 के बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एवरेज माल आ रहे 40%, बहुत बढ़िया सर, 15-20% आ में जाना पूर्ति नहीं हो पाती ना ग्राहकों की, बिल्कुल इसलिए बढ़िया माल है। 25-26 का बाजार है। बिल्कुल। तो सर अपना मोबाइल नंबर, फर्म का नाम? 9-9-1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 
करो भैया? बहुत बढ़िया आदर जी, एकदम बहुत बढ़िया सर। तो आज आलू में क्या अपडेट रहा, कितनी गाड़ियां हैं सर? आलू के अंदर गाड़ियां सर आज 55-56 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। और बाजार, पहले मैं सब भाइयों को 15 अगस्त की शुभकामना देना चाहूंगा। बिल्कुल। और बाकी बाजार के अंदर 55-56 गाड़ी की आमदनी है, पर बाजार थोड़ा सा है। कल रात को बहुत भारी बारिश हुई है, जो जयपुर के अंदर बारिश हुई है, बहुत भारी बारिश हुई है कल रात को, और आज सुबह भी 2 घंटे बारिश चली है। तो जो कल बहुत अच्छी ग्राहकी चली थी, कल आपको आइडिया होगी मंडी के अंदर काफी माल बिक गया था। बिल्कुल। बहुत लिमिटेड बैलेंस रहा था, कोई 2-4-5 गाड़ी रही थी। पर आज जो माहौल रहा है वो परसों की तरह रहा है, जैसे परसों ग्राहकी थोड़ी ठंडी रही थी, बारिश पड़ रही थी, ग्राहक नहीं था बाजार में, आज वापस सेम वही हालत है। बाजार के अंदर ग्राहक बहुत कम है और बहुत लिमिटेड है ग्राहक आया, क्योंकि पूरी रात बारिश पड़ी है और बहुत भारी बारिश पड़ी है। तो इस वजह से कल आज जो ग्राहक है बहुत लिमिटेड है, गाड़ी भी लेकिन लिमिटेड है, 55-56 गाड़ी है।
तो ज्यादा नहीं 15-20 गाड़ी का आसपास बैलेंस रहेगा, जो मेरे ख्याल से कल और परसों में मिल जाना चाहिए, क्योंकि रविवार और सोमवार दो दिन मंडी बंद है। सोमवार की राखी है तो राखी के त्योहार के लिए बंद है और रविवार को भी गाड़ी बंद है, तो अपनी मंडी बंद है जी। तो सर जैसे कल जिन लोगों ने ग्राहकी की थी उनका कल शाम को 4 बजे के बाद बारिश हो गई थी, बारिश हो गई थी, माल बिके नहीं, बिकने नहीं होने की वजह से वो आज मंडी आए नहीं। तो जब तक मौसम थोड़ा खुलता है, कुछ ग्राहक की चलती है, ग्राहक का जो माल बिकता है, रेडी वाला, ठेले वाला, अटवाड़े वाले जो एक एक दो किलो बेचते हैं, तो उनका जब तक माल नहीं बिकेगा, जब तक मंडी में चटपटर आएगी नहीं, ग्राहक आएगा नहीं, ग्राहक लेगा नहीं, तो थोड़ा सा इस वजह से माहौल थोड़ा ठंडा है। फिर भी धीरे 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 करके माल बिक रहे, और ये है कि माल कुछ हद तक माल बिक जाएंगे, 70% माल बिक जाएंगे, 30-35%, 40%, 60% के आसपास आप समझे माल बिक जाएंगे, 40% के आसपास रहेगा वो कल कवर हो जाएगा, और हो जाना भी चाहिए जब तक। बिल्कुल सर, जैसे ये वाला क्या विकास ये गुल्ला है जी, थोड़ा मीडियम में थोड़ी फोट काटा है, 16 रुपए बिका है, और ये जैसे हाईब्रिड आलू है 21 रुपए किलो कह रहे हैं, 37-98 में 23 रुपए किलो कह रहे हैं, 23 रुपए जैसे माल वैसे भाव। अच्छा जी, जो सुपर था वो सुबह पहले बिक गए 25-30 रुपए, 22 रुपए किलो कह रहे हैं, 22 रुपए जी सर। तो आज 37-97 नीचे में 25 नीचे हैं, 20 एक आधा लाट को एक्स्ट्रा भी आने से पहले बिक जाए, कुछ हो जाए तो जरूर कुछ हो सकता है, बाकी 20-25 रुपए की पक्की पोजीशन है। अच्छा जी, और हाइब्रिड में सर? हाइब्रिड की पोजीशन 19 से लेकर 21 रुपए, 300 जो आलू आता है वो 20 से लेकर 22 रुपए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी 22 से 23 रुपए, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटेल साइज ज्यादा जो जयपुर मंडी के अंदर आलू बिक रहा है इस टाइम पे, ग्राहक जो अच्छे चाव से ले रहा है वो रिटेल साइज का आलू ज्यादा ले रहा है, जो बीच का साइज होता है ना मोटा ना छोटा, हर ग्राहक को आज की तारीख में हर ग्राहक की पसंद बीच के साइज का आलू है, ना ज्यादा मोटा ना छोटा, बीच का साइज। और सर लाल वाले क्या पोजीशन रहे? लाल की पोजीशन ऊपर में 27-26-27 रुपए की ज्यादा पोजीशन चल रही है, अच्छे होलैंड आलू की, होलैंड हमारे यहाँ बिकता भी सुपर ही होलैंड है, हल्के होलैंड कम खराब लेता है। बिल्कुल जी सर। और सर अभी अगर बात करें पीछे माल की, तो अभी कितना परसेंट रह गया है सर, अंदाजा हो कुछ? सर 40% के आसपास निकासी बता रहे हैं, बाकी 20% आप गुल्ला गिर रही है, ये सब समझ लीजिए, मतलब 40% माल कुल रह रहा है अभी, जिसके अंदर महीना अचरा है अगस्त, आप समझ लीजिए आप आधा अगस्त है, सितंबर अक्टूबर और आधा नवंबर, तो 2 और 2.5 और 3 महीने कुल मिला के आप मान लीजिए, खूब जोर मार के 3 महीने अपने पास, 15 नवंबर के आसपास फुल लोड से चालू हो जाएगा। पंजाब का तो आलू अक्टूबर में ही एंड में चालू हो जाता है, पर वो लिमिटेड आता है कि मंडी में 5 गाड़ी 7 गाड़ी 10 गाड़ी, उससे कोई पूर्ति नहीं होती है, तब तक पुराना आलू चलता रहता है मंडी के अंदर, नवंबर में 10-12-13 तारीख का नवंबर है पुराना आलू चलता रहता है, उसके बाद जब स्पीड से नया आलू आना चालू होता है तो फिर ग्राहक नए आलू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नए आलू और पुराने आलू का भाव सेम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो फिर ग्राहक सोचता है भाई पुराना और नया जब एक ही रेट है तो नया ही खाए, बहुत वो चीज। सर अपना मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 94-140-66-324, दूसरा नंबर है 98-290-66-324, दुकान नंबर 26 आगरा आलू कंपनी राजधानी ट्रेडिंग कंपनी मोहाली। धन्यवाद। तो आलू में अपडेट वही देखने को मिल रहा है, लगभग 20 रुपए से 25 रुपए का 37-97, और हाईब्रिड में 18 रुपए से लेकर 21-22 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, गुल्ला 15 से 17-18 रुपए के आसपास। वही अगर लाल आलू की बात करें तो लाल वाला जो बिका है वो 27-28 रुपए ऊपर में बिका है। तो ये था अपडेट आलू का, धन्यवाद।